हेलो दोस्तों, मैं हर्षभ चार्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर टीवी स्टिक का जो नया अपडेटेड यूआई आया है उसके बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए @rcmediahouse। तो जो मैं नया इंटरफेस दिखाने वाला हूँ अभी इस वीडियो में, वो है फायर टीवी स्टिक जो नया वाला HD 2020 है उसमें आ गया है दोस्तों। बेसिकली जो दो नया मॉडल्स है 2020 एंड लाइट, दोनों में ही पहले ये अपडेट आएगा। इस मंथ तक सभी डिवाइस में आ जाना चाहिए, पहले आज ही मतलब जस्ट फ्यू आवर्स पहले जो HD 2020 है उसमें मेरा अपडेट आ गया है। लाइट की बात करूं तो लाइट में अभी तक नहीं आया है, बट इस मंथ एंड तक आ जाना चाहिए। इसे छोड़कर जो पुराना जो भी फायर टीवी स्टिक है या 4K वाला है, सभी में नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग तक मतलब नेक्स्ट ईयर 2021 से ये अपडेट रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। तो जो नए कस्टमर्स हैं उनको थोड़ा प्रेफरेंस दे रहा है अमेजोन, बट सभी को अपडेट मिलेगा दोस्तों। तो फॉर एवरीवन इट विल रिमेन द सेम, बस ये है कि जो नए रिसेंट वाला खरीदे हैं उनको जल्दी मिल जाएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये फायर टीवी स्टिक HD है तो आपको रिमोट भी दिखा देता हूँ। दिस इज द रिमोट विद द वॉल्यूम एंड द टीवी ऑफ ऑन। तो अगर आप ये वाला मॉडल खरीदने में इंटरेस्टेड है या कोई भी फायर टीवी स्टिक खरीदने में इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अगर आप अभी सोच रहे हैं खरीदना तो सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और मैंने भी जो वीडियोस बनाए हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से आपको कैसा है ये नया इंटरफेस, क्या क्या चेंज हुआ है सभी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इंस्टेंटली मैं जब रिमोट का होम बटन प्रेस करता हूं तो पहले आपको मतलब प्रोफाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो मैं अपना खुद का प्रोफाइल सिलेक्ट करता हूं। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो बेसिकली अभी आगे क्या रहता था, एक अकाउंट से होम मतलब सिलेक्ट हो जाता था। मतलब सपोज एक अकाउंट है, सपोज ऋषभ, तो उसका अकाउंट ही पहले होम में दिखाता था। वेराज जब आप प्राइम ऐप में जाते थे तो उसमें प्रोफाइल का ऑप्शन रहता था। प्रोफाइल का ऑप्शन भी रिसेंटली आया है, फ्यू मंथ्स पहले, बट एटलीस्ट अगर 4 जन या 6 जन आई थिंक मैक्स देख सकते हैं प्राइम में, 4, 5, 6 ऐसे कुछ है। तो जिनका भी प्रोफाइल रहता है पूरा रिकमेंडेशन अलग अलग रहता है, कंटिन्यू वॉचिंग अलग रहता है। वेराज होम स्क्रीन पे ये ऑप्शन नहीं रहता था, तो एक जो डिफॉल्ट प्रोफाइल रहता था दैट मतलब वो खाली दिखाता था, कोई भी ऑप्शन नहीं था कि नहीं मैं सेकेंड वाला प्रोफाइल सिलेक्ट करूं डिफॉल्ट, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। अभी आप देखेंगे तो इंटरफेस भी पूरा चेंज हो गया है एंड वो ऑप्शन भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैं ये होम है, होम में आगे हमें ऊपर मिलता था, ठीक है। अभी आप देखेंगे इधर नीचे आ गया है, मतलब नीचे नहीं बोल सकते, बीच में, तो बीच में सभी दिखा। तो ये है मेरा प्रोफाइल जो आप देख सकते हैं, अभी दो प्रोफाइल में क्रिएट करके रखा हूं, तो SC रिश करके दो प्रोफाइल है, ठीक है। आगे ये डिफॉल्ट रहता था बट क्योंकि अभी ऑप्शन आ गया है तो मैं खुद का प्रोफाइल डिफॉल्ट कर दिया हूं। तो जो भी देख रहा है वो खुद का प्रोफाइल डिफॉल्ट करके सब कुछ अलग दिखाएगा। तो लाइब्रेरी, होम, फाइंड, लाइव, ये नया चीज है दोस्तों जो अभी एड हो गया है। आगे ऊपर दिखाता था, वो कंपेरिजन भी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा दोस्तों क्या है एग्जैक्टली चेंज। तो अभी एक ऑप्शन आ गया लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज बेसिकली जो वॉच लिस्ट आप प्राइम वीडियो पे करते हैं, अभी के लिए तो खाली प्राइम वीडियो ही दिखा रहा है, दूसरा वाला नहीं दिखा रहा है। तो आई थिंक सो फॉर नाउ प्राइम, नॉट श्योर दूसरे कोई एप्स का भी सपोर्ट देंगे कि नहीं। फिर आ गया हमारा होम, होम इज नाउ बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, तो आपका जो प्रोफाइल रहेगा बेस्ड ऑन क्या आप देखते हैं वैसे दिखाएगा। तो मेरे को ये अलग दिखा रहा है, अगर मैं दूसरा वाला SC में जाऊं तो उसमें फिर से अलग दिखाएगा। तो नीचे अगर हम जाएंगे तो गाइड का ऑप्शन भी आता है, तो बेसिकली जो लाइव का है, लाइव के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया हूं दोस्तों, तो वो चेकआउट कर सकते हैं। प्रिटी मच रिमेन्स द सेम, बस हाँ थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मतलब अभी अमेजॉन प्राइम का ही दिखा रहा है, दूसरा कोई आपका तो दिखा नहीं रहा है एज फार एज आई गो डाउन। पूरा टिल डाउन पूरा प्राइम हो गया, आगे एक्चुअली दूसरा एप्स का भी दिखाता था होम में, बट अभी पूरा
प्राइम का ही दिखा रहा है। उसके बाद हम चलते हैं फाइंड। फाइंड एक और नया सेक्शन है जहां आप सपोज आपको पता नहीं है क्या देखना है, तो बेस्ड ऑन क्या आप देखना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर, जैसे अभी मूवी देखना है या टीवी शो या किड्स एंड फैमिली ऐसा, नहीं तो ऐप स्टोर में जाना है तो वैसे आप जा सकते हैं, नहीं तो कैटेगरीज भी अभी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कॉमेडी एक्शन रोमांस ड्रामा ये सब भी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। जैसे अभी हम रात हो गया है हॉरर देखेंगे तो हॉरर कर सकते हैं, तो आपको सभी दिखाएगा। जैसे मैं अभी हॉरर जाऊं तो यू कैन सी हॉरर, ठीक है, तो ये सब हॉरर। हॉरर में आप देख सकते हैं इट्स ऑल्सो शोइंग अदर एप्स नॉट जस्ट प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटफ्लिक्स सब कुछ दिखाता है विच इज रियली नाइस। तो सपोज आपको पता नहीं रहा क्या देखूं आज तो एक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं तो एक्शन दिखाएगा, तो वैसे नाइस एक्शन एडवेंचर सब कुछ है। तो ये एक और नया टैब है। उसके बाद हम चलेंगे लाइव। दिस वॉज प्रिटी मच जो पुराने वाले में भी था ऑलमोस्ट सेम ही है दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं है, बट हाँ जो आप देखेंगे टेक्सटिंग एंड आईकॉन्स अभी सब कुछ चेंज हो गया है। तो ये हो गया हमारा लाइव। उसके बाद एक और जो बहुत डिफरेंट हो गया है कि अभी आप देखेंगे यहाँ एक अलग सा एक कुछ बनाए हैं, ये आगे नहीं रहता था, ठीक है। तो पहले बार जब आप अपडेट करेंगे तो ये क्या है करके आप देखेंगे, तो बेसिकली जो देखिए आप ये क्या है, नेटफ्लिक्स पे जाएंगे तो कुछ दिखाएगा नहीं, बस नेटफ्लिक्स इंटरनेट यूट्यूब, तो बेसिकली आपने जो एप्स है आपके पास वही दिखाता है एप स्टोर। इधर सेटिंग्स में अगर हम जाएंगे तो सेटिंग्स इज बेसिकली सेम, आगे भी सेटिंग्स इधर रहता था, अभी सेटिंग्स इधर आ गया है। यहाँ भी आप देखेंगे दोस्तों आइकॉन्स चेंज हो गया है, तो आइकॉन्स आर चेंज बट ऑल द टैब्स जो भी सेम, जो ये बटन्स जो था सेम बटन से, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सो बेसिकली दोस्तों मैं बोलूं तो अगर आप पुराना यूज करते थे तो थोड़ा सा अलग लगेगा फॉर श्योर, बट उतना भी नहीं, तो इजीली अडॉप्ट कर सकते, बट डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा अभी मॉडर्न लग रहा है, थोड़ा सा अलग हो गया है, थोड़ा सा आगे वाला, थोड़ा अभी मतलब इतना दिन यूज कर रहे थे तो लग रहा था अभी थोड़ा ओल्ड, मतलब देख 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 के अभी आदत हो गया था, तो अभी ये नया है तो वाह कुछ तो नया हुआ। तो ठीक है दोस्तों यही था। तो बेसिकली अभी आप देखेंगे तो होम में जाएंगे तो पूरा सेम ही, ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर हम चले अभी आपको दिखाता हूं, मैं प्रोफाइल चेंज कर देता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल अभी एससी में चले जाता हूँ, किधर गया, हाँ एससी में जाता हूँ, तो एससी में जाएंगे तो क्या दिखाएगा, अभी हो गया ठीक है। एससी में जाएंगे तो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, एससी में जाएंगे तो रिसेंटली, तो अभी ये सबसे डिफॉल्ट वाला है तो इसमें रिसेंटली यूज्ड एप्स दिखा रहा है, अभी उसमें नहीं दिखा रहा था क्योंकि दोस्तों मैं एससी अभी तक यूज कर रहा था, जैसे बोला जस्ट थोड़े आगे आया है तो मैं वो प्रोफाइल अभी क्रिएट किया था तो ये टैब नहीं दिखा रहा था, ठीक है। रिसेंटली यूज्ड एप्स, तो मैं जब वो अपने जैसे रिश में जाके कुछ एप्स यूज करूंगा तो वो इधर दिखाने लगेगा। अभी के लिए ये भी एक टैब है विच इज नाइस, क्योंकि आगे वाला में इधर ही रहता था बट इसको अभी एक नीचे कर दिया है, तो इट्स ओके नाइस इजी टू अंडरस्टैंड। और सबसे अच्छा चीज जो है कि सभी टैब्स के ऊपर अभी आप देख सकते क्लियरली क्या लिखा है, जैसे ये रिसेंटली यूज्ड एप्स है, ये है रिसेंट, फिर ये ऑन नाउ, तो क्लियरली पता चल रहा है कि एक एक सेक्शन का मतलब क्या है। आगे थोड़ा सा मुझे पता है कंफ्यूजन होता था क्योंकि कोई भी गेस्ट आता था घर पे तो उनको समझ में नहीं आता था क्या है एग्जैक्टली नीचे क्या क्या है, तो अभी इट्स वेरी क्लियर कि ये आप एप्स यूज किए हैं, ये पॉपुलर है, ये फीचर्ड है, तो सब कुछ क्लियरली दिखा रहा है, तो इट्स नाइस दोस्तों, कुछ अलग है डेफिनेटली, अलग मतलब वही जो ऑलरेडी यूज कर रहे थे उनको उतना मतलब इजीली आप अडॉप्ट कर सकते हैं, मैं तो जस्ट फ्यू मिनट्स में ही पता चल गया था, सो दैट्स अ गुड थिंग। एज यूजल टॉप है हमारा फीचर्ड सेक्शन जो नया नया क्या आ रहा है पूरा दिखा रहा है, तो दैट हैजंट चेंज बट यस अभी देखिए आप बहुत बड़ा हो गया है, सो दैट्स अ गुड थिंग, बट ओवरऑल नाइस अपडेट दोस्तों, कुछ तो अलग हुआ, बहुत दिन से मतलब एक ही हो गया था इंटरफेस, जैसे हम आजकल मोबाइल सब में ही थोड़ा थोड़ा अपडेट रहने से अच्छा लगता है,
कुछ डिफरेंट लगता है, वैसे ही ये भी अपडेट आके अभी थोड़ा सा मॉडर्न लग रहा है। ओवरऑल नाइस। ऑल्सो दोस्तों ये जो प्रोफाइल का ऑप्शन है ना दोस्तों, उसमें अभी आप एलेक्सा इंटीग्रेशन है, तो सपोज तीन प्रोफाइल बनाया है, तीनों का वॉइस थोड़ा अलग रहता है सबका वॉइस, तो तीनों तीन लोगों का प्रोफाइल बनाने से एलेक्सा रिकग्निशन भी अभी ज्यादा बेटर रहेगा ऐसा बोल रहा है मतलब अमेजोन। दैट इज ऑल्सो वन मोर फीचर। तो बेसिकली ओवरऑल अच्छा है। आप मुझे बताइए आपको मिला है कि नहीं ये अपडेट, आप कौन सा वाला यूज कर रहे हैं, आपको मिला है कि नहीं अभी तक। तो मेरे को HD 2020 में अपडेट मिल गया है, लाइट में नहीं मिला है, दूसरे जो भी पुराना वाला है उनमें भी नहीं आया है अभी तक अपडेट, बट जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला आ जाएगा। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर देना। एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था क्योंकि नया कुछ आया था तो बस। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है अभी तक नहीं खरीदे फायर टीवी स्टिक, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी फायर टीवी स्टिक रिलेटेड वीडियोस बनाया हूँ इस चैनल पे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, फिर से अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।